question, let's change the basic case of here. बराबर से समझना कि बेसिक कॉन्सेप्ट समझा लेगा आराम से. अब आपको एंट्री तो बाहर है, पर वो एंट्री का अप्लाई कैसे करना है. बहुत सारे लोगों को एंट्री तो बाहर हो जाता है, लेकिन सम को अप्लाई कैसे करना है, दैट इज वो कंफ्यूजन. सो बी केयरफुल. कभी भी कोई भी क्वेश्चन है, सबसे पहले देखना हु इज अ ड्रॉवर, हु इज अ ड्रॉइंग. मतलब फंडामेंटल क्वेश्चन है. फर्स्ट फाइंड हु इज अ ड्रॉवर एंड हु इज ड्रॉइंग. अब जो ड्रॉवर मतलब वो सेल का बिल गुड्स, तो जो सेलर होता है वही ड्रॉवर होता है. संतोष परचेज गुड्स, संतोष परचेज गुड्स फ्रॉम मंतोष. संतोष ने परचेज किया, संतोष इज अबाउट ड्रॉवी. द पर्सन हु परचेज द गुड्स इट इज कॉल्ड ड्रॉवी एंड द पर्सन. अगर संतोष ने परचेज किया तो मंतोष ने क्या करेगा, उसको सेल क्या रहेगा, तो मंतोष इज अ सेलर. ये बच्चों संतोष इज अ बायर, द बायर इज अ कॉल्ड ड्रॉवी. तो संतोष क्या है बच्चों, ड्रॉवी. संतोष मंतोष इज व्हाट, ड्रॉवर. बच्चों द सेलर इज कॉल्ड ड्रॉवर एंड द बायर इज कॉल्ड ड्रॉवर. कोई भी क्वेश्चन करना लगा तो इंस्ट्रक्शन में सबसे पहले देखना पड़ता है ड्रॉवर ड्रॉवी. हु इज अ ड्रॉवर, हु इज अ ड्रॉवर. तो फंडामेंटल क्वेश्चन है द सेलर इज कॉल्ड ड्रॉवर. सर सेलर कहाँ है, ऑब्वियसली लॉजिक अप्लाई करो ना. अगर संतोष से खरीद रहा है तो ऑब्वियसली मंतोष को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है. संतोष पर ड्रॉवर हो गया एंड मंतोष ड्रॉवर. ओके बच्चों, फर्स्ट इज 25 पर. On 1st June, इसका मतलब purchase sale का transition का जो है 1st June को है, but 25, right बच्चों? आप बताओ क्या entry है sale का, तो भैया मंतोष draw हो गया, तो मंतोष ने sale का entry क्या रहेगा, और संतोष ने किसका क्या रहेगा, purchase का entry. संतोष paid immediately 10,000 on the same date. 25 का सामान खरीदा, उसने 10 का immediately pay किया, और जब 10 का immediately pay किया मतलब क्या हो गया, ये part payment हो गया. संतोष पेड द इमेज ऑन द सेम डेट मतलब 1st जून पे 10,000 पेमेंट कर. 25 का ट्रांजेक्शन हुआ था, पेमेंट कितना हुआ 10,000, और मतलब बैलेंस लेफ्ट 15,000. क्यों जो एक्सेप्ट द बिल फॉर द बैलेंस ऑन द 5th जून. एक्सेप्ट द बिल, संतोष ने क्या किया, 10,000 पेमेंट कर दिया, और बाकी बैलेंस के लिए बिल एक्सेप्ट कर रहा है. कुछ ड्रॉबी तो बिल एक्सेप्ट करेगा 3 मंथ्स के. कितना बैलेंस है बच्चों, 15,000. बना रहेगा कितने का, बना रहेगा 15,000. ओके बच्चों, तो पहले क्या आएगा एंट्री, परचेज सेल का आएगा. देयर आफ्टर क्या आएगा, संतोष ने पेमेंट किया है तो पार्ट पेमेंट रिसीव पार्ट में पेड का एंट्री करेंगे लोग. एंड देन एक्सेप्ट द बिल इफ द ड्रॉवी एक्सेप्ट द बिल, द ड्रॉवर क्या किया रहेगा, बिल ड्रॉ किया रहेगा. तो एक्सेप्ट एंड ड्रॉ का एंट्री. नाउ हियर मंतोष रिटेन द बिल, मंतोष रिटेन द बिल. संतोष ने क्या किया है, बिल को रिटेन किया है. क्या रहा है, आपका ड्रॉ होने के बाद बी केस में क्या था, 4 ऑप्शन थे ड्रॉवर के पास. चार तो बिल डिस्काउंट करा सकता है, कलेक्शन डाल सकता है, इंडोर्स. अभी क्या हो रहा है, बिल रिटेन हो रहा है, बिल रिटेन हो गया. एंड लास्ट में क्या दिया है, ऑन द ड्यू डेट, जिस दिन ड्यू डेट आया रहेगा वो डेट में क्या हो गया, बिल ऑनर हो गया. ओके, ये था बेसिक क्वेश्चन. पास जनरल लॉकडाउन में दिमाग लॉक हो गया रहेगा, तो जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है,
major folio, debit rupees, and trade rupees. Mucho, इतना ज़्यादा रखो तो क्या है? Date, particulars, major folio, debit rupees and trade rupees. ये हो गया आपका drop, journal of drop. And the same time, journal of drop का पेड़ के पास इसलिए हम दोनों बड़ी करने वाले हैं. कैश स्लैश
का कैंडी था कैसमे अकाउंट डेबिट टू ट्रॉवी ट्रॉवी बने संतोष कितना पेमेंट हुआ 10 का ध्यान रखना बच्चे लोग ये जो हम लोग ये अंडरलाइन करते खाली पर्टिकुलर में करने का एक तरह इधर पे ऐसा अंडरलाइन नहीं करना कुछ उसका टोटल बाद में करना है संतोष ने बिल एक्सेप्ट किया है कभी ऑन द 5th जून दिया है क्वेश्चन ना तो 5th जून को बिल एक्सेप्ट हुआ तो ऑब्वियसली उसने एक्सेप्ट किया तो संतोष ने ड्रॉ किया रहेगा 5th जून रावी विल पास द एंट्री ऑफ एक्सेप्ट एंड द रावी विल पास द एंट्री ऑफ ड्रॉ बिल ड्रॉ बिल ड्रॉ का एंट्री बच्चों रावी अकाउंट डेबिट रावी का क्या है बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट Thank you.
एग्जाम में पढ़ेगी विल ड्रॉ होने की आफ्टर दैट ड्रावर है फोर ऑप्शन उसमें एंट्री करना है ड्रावर को तो कोई ऑप्शन है ही नहीं तो अपने को तो डायरेक्ट ही है इसमें मैंने फाइनेबिली का तो भी चले आओ जो इसका नो एंट्री का रिटर्न का एंट्री होता है आज उसके ऑल फोर केसेस के लिए नो एंट्री हमारा बच्चा क्या क्या मैंने and
वो डिस्काउंटेड हो, सबके लिए वेकेंट डे था, बी ऑन ड्यू डेट बिल ऑन तो रिटर्न वाली ठीक हो जो क्योंकि चारों केसेस के लिए एक ही इंट्री बस बच्चों ये था। आगे भी जाऊँ तेरा पास हो तो अनंता की क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन जितना बोले उतना ही जाना है, उससे ज़्यादा नहीं, मुझे बहुत नॉलेज है उससे मतलब नहीं, आपको क्वेश्चन में जितना बोला उतना करो, लास्ट में क्या करते हो एक एनर्जी का टोटल 25 35 50 65 इस सर 65 क्या सर इसका अमाउंट नहीं बिल का अमाउंट था इसका भी टोटल करो 150% अपना एफर्ट डाल दे जरूर, इससे थोड़ा ट्राई करने अंडरस्टैंड भी करने की कोशिश कर लेगा, ठीक है ना, एक बार नहीं समझेगा दो बार समझ सकते हो तीन बार समझ सकते हो, ओके ना, इट्स नेसेसरी कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए कोई भी, या क्लास में बैठ के हम एक बार नहीं समझते तो एक बार में वीडियो पे कैसे समझेगा, इसलिए उसको एक बार दो बार अच्छे से देखो, डोंट गिव अप, एक बार देखा नहीं आया, ओके मैं अपना हम लोग भी अपना लिमिटेशन जानते हैं और खासकर मेरा तो अरे मेरे लिए बहुत मुश्किल है एकदम, बट स्टिल हम लोग अरे होप छोड़े नहीं है, चलो कैसे बच्चों को ट्राई करेंगे उनको करके देने के लिए, तो आप लोग भी थोड़ा एफर्ट डालो, एक बार नहीं समझता है दो बार समझो तीन बार समझो चौथी बार लास्ट ऑप्शन समझने का है हम लोग हमेशा है वो बता देंगे, ओके ना, लेकिन हमेशा अपने से भी ट्राई करने की कोशिश करो, तो एक बार हो गया और अंडरस्टैंड करो कॉन्सेप्ट, ओके, इतना लगे कि नहीं नहीं अब नहीं समझ रहा है